जो हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड आरटीपी में आईसीएआई ने कैसे कैसे एमसीक्यूज इशू करे हैं। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइप के एमसीक्यूज हैं, हम जल्दी से देखेंगे उसके आंसर्स कैसे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कौन से सेक्शन से वो आंसर आता है, एंड फाइनली हम इससे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज आईसीएआई पूछ रहा है और कैसे आपको और कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है, उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें आंसर पढ़ना है। आंसर क्यों पढ़ना है? ताकि हमें इंटेंट पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए वो पूछना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में। वंस वी गेट टू नो दैट, हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे वो स्पॉट्स जो कि इंपॉर्टेंट है आंसर ढूंढने के लिए, एंड उसकी वजह से आपको मल्टीपल रीडिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी एमसीक्यू की टू अराइव एट एन आंसर। एंड बेसिक आइडिया इज कि हमारा कम से कम टाइम लगे एमसीक्यू का आंसर निकालने में। चलिए तो सबसे पहले हम आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है? कुछ ना कुछ फिगर्स गिवन है और फिगर्स के ऊपर क्या बोल रहे हैं वो, मिस्टर अजय वुड बी लाइबल टू पे अ टैक्स ऑफ, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है अजय की, तो उसी हिसाब से स्कैन करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। देखिए, मिस्टर अजय इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ टू गोल्ड चेन्स ऑफ 50 grams ईच, द मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 1,45,000 ईच। यानी कि मिस्टर अजय हैं, उनको उनके पास से दो गोल्ड चेन्स बरामद हुई हैं जो 50-50 ग्राम की एक एक हैं। ग्राम से हमें फर्क नहीं पड़ता, मार्केट वैल्यू बताओ। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,45,000 ईच, यानी कि टोटल 2,90,000 की गोल्ड चेन्स मिली है मिस्टर अजय के पोजिशन से, एंड वो उन गोल्ड चेन्स के ओनर पाए गए हैं। आगे क्या लिखा है? ये चीज़ कब हुई है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2019। अब आगे लिखा है, बट ही कुड ऑफर द सैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर 50,000 स्पेंट ऑन एक्वायरिंग दीज गोल्ड चेन्स। यानी कि चेन्स तो हमें 2,90,000 की मिली, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन मांगी गई तो वो सिर्फ 50,000 के बारे में बता पाए कि 50,000, ये जो मैंने 2,90,000 खर्चे हैं इसमें से 50,000 मैंने ऐसे ऐसे डेराइव करे थे और ऐसे 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 साल में टैक्स के लिए ऑफर कर दिए हैं, बाकी 2,40,000 का वो कुछ बता ही नहीं पाए। आगे, एज पर सेक्शन 115BBE मिस्टर अजय वुड बी लाइबल टू पे अ टैक्स ऑफ। अब एक चीज़ नोटिस करिए, क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा अच्छे से डाइसेक्ट कर लिया, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में कौन सा सेक्शन आना चाहिए? सेक्शन 69। ये किस बारे में बात करता है? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप किसी एसेट के ओनर पाए गए हैं और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो एसेट नहीं पाई जाती, बेसिकली कंसील करते आप लग रहे हैं उस एसेट को, तो असेसिंग ऑफिसर आपसे उस एसेट की, उस इन्वेस्टमेंट की नेचर एंड सोर्स पूछ सकता है। अगर आप सैटिस्फैक्टरीली, बेसिकली टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, आप कोई एक्सप्लेनेशन दे पाए अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं दे पाए तो जितने अमाउंट की एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पाए उसको डीम कर लिया जाएगा आपकी इनकम, एंड वो डीम करने के बाद हम नॉर्मल रेट्स पर टैक्स नहीं करेंगे कि आप पे स्लैब रेट लगता है तो स्लैब रेट लगा देंगे। सेक्शन 115BBE बताएगा कि क्या रेट्स लगने वाले हैं। तो उसी कंटेक्स में इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, 2,90,000 की गोल्ड इन्वेस्टमेंट मिली है इन द नेम ऑफ मिस्टर अजय, वो सैटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन कितने तक की दे पाए हैं? सिर्फ 50,000 की, यानी कि 2,40,000 की एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है। क्या होगा? सेक्शन 69 के अंदर ये डीम कर ली जाएगी आपकी इनकम, एंड सेक्शन 115BBE के हिसाब से रेट्स लगाने के बाद हम टैक्स डिराइव करेंगे। अब 115BBE के अंदर रेट्स की बात कर लेते हैं, क्या रेट्स प्रोवाइड करे गए हैं। सेक्शन 115BBE मल्टीपल सेक्शन से रिलेट करता है, वो कहता है सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D, इनमें से किसी के अंदर भी आपको इनकम डीम करी गई है, बेसिकली आपकी कोई भी अमाउंट की इनकम, तो उस पर हम क्या रेट्स लगाने वाले हैं? दैट इनकम मल्टीप्लाइड विद 60%, दिस इज द टैक्स रेट। जो आपका टैक्स आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 25% का सरचार्ज, जो अब फाइनल अमाउंट आएगा टैक्स रेट लगाने के बाद प्लस 25% सरचार्ज ऐड करने के बाद, उस पर हम ऐड कर देंगे 4% सेस। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस अमाउंट। कौन सा अमाउंट? 2,40,000। तो उसी पर ये कैलकुलेशन करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, तो फाइनल आपकी फिगर निकल के आती है 1,87,200। दिस इज द फाइनल अमाउंट जिस पे उसको बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है इस एसएससी की, मिस्टर अजय की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड्स इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यानी कि यहाँ पे आपको टैक्स नहीं निकालना, आपको टोटल इनकम निकालनी है जो कि चार्जेबल टू टैक्स होगी। क्वेश्चन स्कैन करना शुरू करते हैं। मिस्टर सुहान एजेड 35 years, अ नॉन रेजिडेंट, अर्न्ड डिविडेंड इनकम ऑफ 12,50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी विच इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टूअर्ड्स बैंक अकाउंट इन फ्रांस एंड 15,000 एज, अच्छा दूसरी इनकम स्टार्ट होगी, पहले पहली इनकम की बात कर लेते हैं।
पहली इनकम उन्होंने क्या बताया उसके बारे में, 12,50,000 की इनकम हुई है आपको, क्या है ये डिविडेंड इनकम और किससे मिली है, इंडियन कंपनी से। तो यहीं पे कुछ एनालिसिस तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या एनालिसिस, देखिए अब एनालिसिस कुछ ऐसा है, अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो क्या उसने डिविडेंड देते हुए सीडीटी दिया होगा अंडर सेक्शन 115O? बिल्कुल दिया होगा। और अगर सीडीटी दिया है तो क्या शेयर होल्डर के हाथ में ये अमाउंट टैक्स हो सकता है? सोचिए 1034 क्या कहता है, अगर किसी भी अमाउंट पे जो भी डिविडेंड की तरह दिया गया है उस पे सीडीटी दे दिया गया है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 1034। लेकिन 1034 ये भी कहता है कि वो जो रिसीव करा है शेयर होल्डर ने अमाउंट, अगर वो सेक्शन 15BBE के अंदर टैक्स होने वाला है, आफ्टर रीडिंग सेक्शन 15BBE, अगर हमें ये पता चलता है कि इस अमाउंट में से कुछ भी अमाउंट टैक्स होगा अंडर सेक्शन 15BBE, तो दैट प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। जिसकी वजह से अब गेम क्या चला आपके माइंड के अंदर, 12,50,000 रिसीव हुए हैं, 1,000,000 तक एग्जेम्प्ट होते हैं, 1,000,000 के ऊपर जितना भी इनकम होती है आपकी डिविडेंड इनकम वो 15BBE में टैक्स होती है, तो आप 2,50,000 को टोटल इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? वो आपको दिखा रहे हैं कि हम आपकी लिमिट्स टेस्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि वो ये चीज़ टेस्ट कर रहे हैं कि 1,000,000 के ऊपर वाला अमाउंट पकड़ते हो आप या पूरा अमाउंट पकड़ते हो, लेकिन वो ये चीज़ टेस्ट कर ही नहीं रहे। वो टेस्ट कहाँ पे कर गए, उन्होंने ये लिख दिया ये नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 15BBE अप्लाई ही नहीं करता, दैट इज़ ओनली फॉर रेजिडेंट शेयर होल्डर्स जिनको डिविडेंड मिला हो, ये SSE नॉन रेजिडेंट है तो 15BBE नहीं लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, पूरा 12,50,000 1034 के अंदर आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये इनकम आपकी टोटल इनकम में नहीं आने वाली, इसको हम इग्नोर करेंगे। आगे इनकम्स पढ़ते हैं। इस SSE को 15,000 की इनकम हुई है एज इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। अच्छा, तो आपको सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम भी हुई है, कितने की, 15,000 की। अब इसके लिए क्या करा जाएगा, इसको तो टोटल इनकम में ऐड कर सकते हैं, तो आपने अदर सोर्सेज के अंदर दिखा दिया 15,000। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम GTI निकाल लेंगे, GTI आपका आ गया 15,000। आपने क्वेश्चन यहीं ख़त्म कर दिया, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया, लेकिन यहीं पे गलती हो गई। वो ज़रूरी नहीं है एक ही एस्पेक्ट को टेस्ट करके छोड़ दें और आपको मार्क्स दे दें, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा एक और चीज़ टेस्ट करो, क्या टेस्ट करो, आपको डिडक्शंस की नॉलेज कितनी अच्छी है। यहाँ पर डिडक्शन आती है आपकी सेक्शन ATTTA के अंदर, वो डिडक्शन कितने की है, 10,000 की। कैसे है, हल्का सा याद करिए। सेक्शन ATTTA कहता है अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर लोअर ऑफ द टू अमाउंट्स आपको डिडक्शन की तरह मिल जाएगा अंडर सेक्शन ATTTA। लोअर ऑफ द टू अमाउंट्स, कौन से टू अमाउंट्स, पहला अमाउंट इज जितनी इंटरेस्ट इनकम हुई है यानी कि 15,000 रुपये, दूसरा अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। इस केस में 10,000 इज लोअर ऑफ द टू अमाउंट्स, तो 10,000 की आपको डिडक्शन मिल गई। आपकी GTI निकल के आई सिर्फ TI टोटल इनकम निकल के आई सिर्फ 5K। अब मजे की बात, यहीं पे अगर उन्होंने यहाँ पे हमें दे दिया होता कि इस SSE की एज 35 years नहीं है, इस SSE की एज इज 60 years और मोर, 60 दे देते, 65 दे देते, 85 दे देते, कुछ भी दे देते, तो फिर एनालिसिस क्या चेंज हो जाता, यहाँ पे ATTTA नहीं लगता, यहाँ पे ATTTB लगता। क्यों? सीनियर सिटीजन्स के लिए सेम इनकम पे ATTTB लगता है, और जैसे ही ATTTB लगता ये लिमिट जो थी लोअर ऑफ दीज टू अमाउंट्स वहाँ पे 10,000 ना होने की जगह 50,000 हो जाता, जिसकी वजह से पूरी आपकी सेविंग्स जो है इंटरेस्ट इनकम है सेविंग्स अकाउंट से पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती। तो उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, उन्होंने 35 एज दी है, तो इसलिए हमने ATTTA लगाया और टोटल इनकम आपकी निकल के आई 5,000। सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि XYZ लिमिटेड वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर इनमें से कोई एक अमाउंट, यानी कि बेसिकली ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमें डिडक्शन निकालनी आती है या नहीं आती है अंडर सेक्शन 10AA, हमें अमाउंट पता है नहीं पता। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं डिडक्शन का, ताकि वही चीज़ें स्कैन करें हम क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायर्ड है। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट्स इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और ये पूरा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफाइड परसेंटेज। अब हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट्स का मतलब नेट प्रॉफिट्स जो आपके SEZ यूनिट से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो SEZ यूनिट जितनी टर्नओवर बेसिकली उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट से जितनी टर्नओवर आ रही है, टोटल टर्नओवर मतलब यही आपकी SEZ यूनिट की टोटल टर्नओवर कितनी है, स्पेसिफाइड परसेंटेज मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप किस साल में ऑलरेडी हैं अभी
उसके हिसाब से आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है कि इस पूरे अमाउंट का इतना परसेंट हम डिडक्शन की तरह अलाउ करेंगे। जैसे कि अगर आपने जिस साल से मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा है उस साल से 5 साल तक ये 100% डिडक्शन दे देते हैं, उसके अगले 5 साल के लिए सिर्फ 50% डिडक्शन, और उसके भी अगले 5 साल के लिए 50% डिडक्शन मिलती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम मोर कंडीशंस, उनमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, हाँ जी, तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जी लिमिटेड हैज़ 2 यूनिट्स, पहला यूनिट इज इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द अदर यूनिट एट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। द यूनिट इन SEZ वॉज सेटअप एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 12/3/2012 एंड द यूनिट इन DTA फ्रॉम 15/6/2015। यहीं पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे लिए, 12/3/2012 से स्टार्ट करा है आपने मैन्युफैक्चर करना, किसने? SEZ यूनिट ने। अभी क्या चल रहा है क्वेश्चन के लिए, ये प्रीवियस ईयर 18/19, यानी कि 5 साल तो निकल चुके, और जैसे ही 5 साल निकल गए 100% रिडक्शन तो नहीं मिलने वाली। क्या मिलेगी इस केस में? 50% रिडक्शन। तो स्पेसिफाइड परसेंटेज हमने यहाँ पे लिखी थी, वो मेरे को फिगर मिल गई है 50%। आगे बाकी फिगर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है टोटल टर्नओवर ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड एंड द यूनिट इन DTA इज 8 crore 50 lakhs एंड 3 crore 25 lakhs। दोनों ही फिगर्स मेरे लिए इररेलेवेंट है, क्योंकि मुझे जो टोटल फिगर चाहिए टोटल टर्नओवर की, वो ना तो DTA की चाहिए ना पूरी कंपनी की चाहिए, मुझे सिर्फ SEZ यूनिट की चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन निकाली जा सकती है। कैसे? टोटल टर्नओवर ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड कितनी है? 8 crore 50 lakhs, और यूनिट इन DTA कितनी है? 3 crore 25 lakhs। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आ जाएगी यूनिट एन SEZ की फिगर। तो 8 crore 50 lakhs माइनस 3 crore 25 lakhs कितनी फिगर निकल के आती है? 5 crore 25 lakhs। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें ढूंढनी शुरू करते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ यूनिट एन SEZ एंड DTA इज 2 crore 50 lakhs एंड 1 crore 25 lakhs रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ SEZ की एक्सपोर्ट टर्नओवर बता दो, बात खत्म। वो कितनी है? 2 crore 50 lakhs, 2.5 crore लिख लिया। फाइनली मुझे सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए, मैं डिडक्शन बता दूंगा कितनी चाहिए, कितनी मिलेगी। तो आगे वो कहता है नेट प्रॉफिट ऑफ द यूनिट एन SEZ एंड DTA इज 80 lakhs एंड 45 lakhs रिस्पेक्टिवली। यानी कि मेरे लिए जो फिगर इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 80 lakhs। अब डिडक्शन निकालनी है, कैसे निकालूंगा? 80 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 2.5 crore डिवाइडेड बाय 5.25 crore मल्टीप्लाइड बाय 50% आ जाएगा आपका अमाउंट। करके देखते हैं कितनी फिगर आ रही है। फिगर हमारी निकल के आई 19,04,762। तो ये हो गया आपका आंसर, पॉइंट नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? कंप्यूट द अमाउंट व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जगत फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। यानी कि टोटल इनकम पूरी भी नहीं निकालनी, सिर्फ सैलरीज हेड के अंदर कितनी इनकम आपकी कंप्यूट हो सकती है वो निकालना है, किस असेसी के हाथ में? मिस्टर जगत। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर जगत इज एन एम्प्लॉई इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ भारत लिमिटेड, अ सेल्युलर कंपनी ऑपरेटिंग इन द रीजन्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्युलर डिवाइसेस। नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर अंडरटेकन बाय मिस्टर जगत। पहली ट्रांजैक्शन, ही अटेंडेड अ सेमिनार ऑन परक्विजिट वैल्यूएशन। सेमिनार फीस ऑफ 12,500 वॉज पेड बाय भारत लिमिटेड। अब इसको सोचिए, ये इनकम अंडर दी हेड सैलरी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए ऑफ मिस्टर जगत? आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो सेमिनार अटेंड करा है, क्या ये इस इंसान ने पर्सनल कैपेसिटी में करा है? क्या ये इस पर्सनल बेसिकली ये पर्सनल एक्सपेंस था मिस्टर जगत का, जो कि कंपनी ने पे कर दिया? तो ये अगर ऐसा होगा तो फिर तो ऑफकोर्स इट इज़ अ परक्विजिट, जो कि उनके हाथ में सैलरी की तरह टैक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, ये जो सेमिनार है ये कंपनी अटेंड करवाना चाह रही है अपने ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, परक्विजिट वैल्यूएशन पे, और ये एम्प्लॉई ने अटेंड करा है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि परक्विजिट की तरह एम्प्लॉई को दिया जा रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग जो कि इम्पार्ट करी जा रही है, एंड ये जो अमाउंट स्पेंड करा है कंपनी ने, ये कंपनी का ही एक्सपेंडिचर है, दिस इज़ नॉट सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर जगत। तो इसको हम टोटली इग्नोर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग दी सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर जगत। पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। ट्यूशन फी ऑफ मिस्टर हिमांशु, हु इज सन ऑफ मिस्टर जगत, वॉज रीइंबर्स्ड बाय भारत लिमिटेड, और फी है कितने की? 25,000 की। अब ये सीधा सीधा एक बेनिफिट मिल रहा है मिस्टर जगत को, क्यों? उनके बेटे को पढ़ाने के लिए जो ट्यूशन फी लगने वाली थी 25,000 रुपये की, वो उन्होंने नहीं दी, वो बेसिकली कंपनी ने दे दी। तो ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई आप अगर कोई पेमेंट कर देते हैं, वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बन जाता है? सैलरी इनकम। क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा सैलरी इनकम, तो ये तो इनडायरेक्ट तरीका बन जाएगा सैलरी की खुद एक्सेप्ट ना करो एम्प्लॉयर से, उनको बोल दो मेरे बिहाफ पे ये एक्सपेंडिचर्स इनकर कर दो और टैक्स बचा लो। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25,000 के 25,000 आपकी सैलरी इनकम की तरह कंप्यूट होंगे। अब थर्ड पॉइंट आपको छोटी सी चीज़ कहता है,
मिस सपना डॉटर ऑफ मिस्टर जगत स्टडीज इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय भारत लिमिटेड ट्यूशन फीस पेड फॉर मिस सपना वॉज 750 पर मंथ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज रुपीज 5250 पर मंथ। अब ये पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, रूल नंबर 3-5 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। अब ये जो रूल है ये क्या बताता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर के एस्टैब्लिश्ड किसी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो फिर उसकी उस परक्विजिट की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। वैल्यूएशन करने के लिए क्या बोलता है, अगर आपको जो परक्विजिट कॉम्पोनेंट है वो 1000 रुपये एक्सीड नहीं करता परक्विजिट कॉम्पोनेंट तो फिर हम पूरा का पूरा जो आपको परक्विजिट मिला है वो एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसको हम परक्विजिट की तरह टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 1000 से एक्सीड करेगा तो जितना परक्विजिट कॉम्पोनेंट होगा पूरा का पूरा टैक्स हो जाएगा, उसमें 1000 रुपये की माफ़ी नहीं मिलेगी। तो इस केस में परक्विजिट कॉम्पोनेंट कितना निकलता है ये देखते हैं। वो कह रहे हैं कि सिमिलर स्कूल में पढ़ने के लिए किसी भी बच्चे को 5250 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 5250 पर मंथ। लेकिन ये जो एसएससी है वो सिर्फ 750 देता है, यानी कि इनडायरेक्टली आपको 4500 रुपीज़ पर मंथ का बेनिफिट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयर के स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये पूरे साल का अगर बेनिफिट देखो तो 4500 × 12 इट कम्स आउट टू ₹54,000 प्लस 25,000 हमने पॉइंट नंबर 2 में देखा था और पॉइंट नंबर 1 में हम पूरे अमाउंट को इग्नोर कर रहे थे। तो 54,000 प्लस 25,000 यानी कि 79,000 आपकी बन गई टोटल इनकम। यही अमाउंट आपको यहाँ पे मिल गया, उसी को हम ऑफर कर देंगे अंडर दी हेड सैलरीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या पूछना चाह रहे हैं, कंप्यूट हिज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। यानी कि एडवांस टैक्स निकालना है किसी भी एसएससी का जो कि ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। पढ़ना शुरू करते हैं। Mr. Jha, an employee of FX Limited, attained 60 years of age on 15-5-2018. यहीं पर रुक जाते हैं, हल्की सी डिस्कशन करते हैं। ये देखिए 60 years की एज इनकी कब हुई, साल के बीच में, यानी कि प्रीवियस ईयर 2018-19 की अगर हम बात कर रहे हैं तो साल के बीच में इनकी एज क्या हुई, 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठ के आता है, अगर मैं मानूँ कि इस साल में मैं 60 years वाले इंसान का इनपे स्लैब रेट लगाऊंगा तो 300,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके आगे अलग अलग रेट्स चलते हैं। लेकिन अगर मैं मानूं कि 60 years of age इनकी मैं नहीं मानूंगा इस प्रीवियस ईयर के लिए तो फिर 2.5 लाख वाला स्लैब रेट चलने वाला है। अब मैं क्या मानूं, इनकी 60 years की एज साल के बीच में हुई है, इसी रिस्पेक्ट में आपके CBDT ने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि एज हम कब देखते हैं, जिस भी प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स निकाला जा रहा हो उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे, उस बेसिकली प्रीवियस ईयर के अगर आप लास्ट डे तक जो भी एज अटेन कर लेते हैं वो ही हम मान लेते हैं उस प्रीवियस ईयर की आपकी एज है। तो इस केस में बेशक आपने साल के बीच में 60 की एज अटेन करी है, आपकी इस प्रीवियस ईयर के लिए 60 की एज लेके चलेंगे। एंड 60 और मोर जितने भी एसएससीज होते हैं उनको कौन सा स्लैब लगता है, 3 लाख वाला। पहले 3 लाख एग्जेम्प्ट, बाकी फिर 2 लाख 5%, फिर बाकी 5 लाख 20%, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर 30%। पढ़ना शुरू करते हैं आगे। स्लैब रेट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए कौन से लगेंगे, 3 लाख वाले। ही इज अ रेजिडेंट इन इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड अर्न सैलरी इनकम ऑफ 5 लाख्स कंप्यूटेड। 5 लाख्स कंप्यूटेड का मतलब क्या है, कंप्यूटेड ने जैसे ही लिख दिया, आपको कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देनी 40,000 की, या फिर कोई भी और एक्सपेंसेस या डिडक्शंस देने के बारे में नहीं सोचना। दिस इज बेसिकली योर इनकम अंडर दी हेड सैलरी आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल इनकम्स। आगे क्या गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड 7 लाख्स फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, कंप्यूट हिज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अब एडवांस टैक्स निकालने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, पहले हम पूरा का पूरा टैक्स कंप्यूट करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं कुछ भी अगर TDS कटा हो तो। अब इसके लिए कुछ चीज़ें नोटिस करिए, देखिए अगर मैं टैक्स निकालना शुरू करूं तो टैक्स मेरा क्या निकल के आएगा, सबसे पहले मेरी सैलरी इनकम कितनी है, 5 लाख्स की, और मेरी लॉटरी इनकम कितनी है, 7 लाख्स की। लॉटरी इनकम पर मैं सीधा क्या लगा दूंगा, 30% का टैक्स रेट। तो लॉटरी इनकम 7 लाख्स × 30% विच कम्स आउट टू ₹2,10,000, ये मेरी लॉटरी इनकम पे टैक्स आ गया। अब सैलरी इनकम पे टैक्स निकालते हैं, 5 लाख रुपीज़ की सैलरी इनकम है, पहले 3 लाख एग्जेम्प्ट, बाकी के जो 2 लाख बचे उस पर 5%, 2 लाख पे 5% आपका कितना निकल के आता है, 10,000। तो ये दोनों अमाउंट्स को अगर मैं ऐड करूँ, 2,20,000, इस पे सेस लगने वाला है कितना, 4% का, यानी कि 8,800। इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर दूं मैं तो टोटल मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी 2,28,800। अब मज़े की बात, मेरे को पूरा मेरे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी और मेरी टैक्स लाइबिलिटी सेम नहीं हो सकती। क्यों?
क्योंकि मेरा कुछ ना कुछ टीडीएस भी कटा होगा ये सारी पेमेंट्स मिलते हुए। मेरे को जब सैलरी इनकम मिल रही थी तो सेक्शन 192 के अंदर टीडीएस कटा होगा, और जब सैलरी के अलावा लॉटरी इनकम मिल रही थी तब सेक्शन 194 बी के अंदर टीडीएस कटा होगा, तो उसको भी अकाउंट फॉर करना होगा। अब सैलरी इनकम में क्या हुआ होगा, ये जो पूरा 10,000 मेरा टैक्सेबल बना है पूरा का पूरा टीडीएस की तरह कट गया होगा ऑलरेडी अंडर सेक्शन 192। जहां तक बात रही लॉटरी की, तो लॉटरी में पूरा 2,10,000 कट गया होगा अंडर सेक्शन 194 बी। मज़े की बात, ये जो 8,800 है ये पूरा अभी तक नहीं कटा होगा। क्यों? 10,000 पे जो मेरा सेस निकलता है यानी कि 400 रुपये, वो तो कट गया होगा क्योंकि सेक्शन 192 क्या बोलता है, आपको पूरी टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूट करनी है एसएससी की, उसमें सेस भी ऐड करना है, फिर जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी उतना टीडीएस काटना है। तो यानी कि टैक्स प्लस सेस सब ऑलरेडी टीडीएस की तरह कट चुका है। लेकिन जब बात आती है सेक्शन 194 बी की, वो कहता है कि अगर आप रेजिडेंट असेसी को लॉटरी इनकम दे रहे हैं तो सिर्फ 30% काट लो, उस 30% के ऊपर जो सेस लगने वाला है वो सेस काटने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैं अगर पूरी फिगर निकाल के देखूं तो 228,800 के अंदर सिर्फ क्या चीज़ रह गई होगी, ये जो 210,000 है लॉटरी इनकम का, इस पे सेस नहीं कटा होगा। बेसिकली 210,000 इंटू 4% विच कम्स आउट टू रुपीज़ 8,400 पे टीडीएस नहीं कटा पूरी पेमेंट्स में से। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टैक्स लाइबिलिटी 228,800 माइनस टीडीएस जितना कट गया वो यही फिगर निकल के आएगी, क्योंकि इतने पे टीडीएस नहीं कटा। तो मेरे को एडवांस टैक्स कितना देना बनता है, 8,400 रुपीज़। अब क्वेश्चन आपका यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। 8,400 आपका एडवांस टैक्स देना बनता है, आपका आंसर 8,400 अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए सेक्शन नंबर 208, ये क्या बोलता है, अगर आपकी जो एडवांस टैक्स पेबल है वो 10,000 से कम निकल के आता है तो फिर आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं ऑल टुगेदर। तो क्योंकि यहाँ पे 8,400 जो अमाउंट निकल के आ रहा है 10,000 से कम है, मेरे को एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे हमारा आंसर फाइनली क्या निकल के आएगा, आपकी कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नहीं है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आंसर ढूंढते हैं क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल आंसर्स दे रखे हैं तीनों के तीनों आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, निल एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। रिक्वायरमेंट क्या है, कमेंट अपॉन द टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। एपीएम लिमिटेड इज अ पायनियर कंपनी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स विदाउट इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि ये एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में डिसाइड करती है कि मैं डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू करने वाली हूँ विदाउट इंटरेस्ट, किनको, अपने शेयर होल्डर्स को। कैसे टाइप के शेयर होल्डर्स, बोथ प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। आगे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ एपीएम लिमिटेड वॉज 25 लाख्स। मिस्टर ए इज एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एपीएम लिमिटेड होल्डिंग 10% ऑफ शेयर कैपिटल। During financial year 2018-19, Mr. A received deposit certificates without interest valuing 5 lakh from APM Limited. Comment upon taxability of receipt of deposit certificates in the hands of Mr. A. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करिए। सबसे पहली चीज़, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कितने के डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशू करे गए हैं, लेकिन वो चीज़ हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आपको ये चीज़ बता दी गई है कि मिस्टर ए ऐसे इंसान हैं जो 10% शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं और उन्हें 5 लाख के डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो इसी को अगर हम रिवर्स कैलकुलेट करें तो फिर हम ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर इस 10% होल्ड करने वाले को 5 लाख मिले हैं तो टोटल 50 लाख के डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। और अगर 50 लाख के डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और कंपनी की जो आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे वो सिर्फ 25 लाख थे, तो क्या पूरा 50 लाख डीम हुआ होगा डिविडेंड की तरह? नहीं, सिर्फ 25 लाख डीम हुआ होगा। अब कहाँ पे डीम हुआ होगा डिविडेंड की तरह? सेक्शन 222 बी। क्यों? सेक्शन 222 बी क्लियर वर्ड्स में बताता है अगर आपने डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, 222 बी के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लेवल तक ये जो अमाउंट है ये आपका डीम कर लिया जाएगा डिविडेंड। एंड कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या, जब ये अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में जाएगा तो ये 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी से ही CDD कलेक्ट कर लेंगे अंडर सेक्शन 150, जिसकी वजह से वो बोलते हैं शेयर होल्डर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमने कंपनी से ले लिया, तो आपके हाथ में 1034 में एग्जेम्प्ट। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ी और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ कर देगी, क्लैरिटी नहीं देगी, थोड़ा कन्फ्यूज़ ही कर देगी। मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाह रहा था तो एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करते हैं, एग्जाम पर्पसेस के लिए इतना काफ़ी है।
आपका आंसर क्या निकल के आएगा देखते हैं. पॉइंट नंबर ए आपको बोल रहा है डिपॉजिट रिसीट्स विदाउट इंटरेस्ट आर टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 250,000 अंडर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज. गलत है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट रिसीट्स विदाउट इंटरेस्ट आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये भी गलत है. पॉइंट नंबर सी डिपॉजिट रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट सिंस DDT इज पेबल बाय द कंपनी. ये पॉइंट आपका सही है क्योंकि आपकी कंपनी को DDT देना पड़ रहा है, यानी कि DDT बोल सकते हैं इसको, CDD बोल सकते हैं, मल्टीपल नेम्स हैं इसके, 150 वाला टैक्स बेसिकली देना पड़ रहा है, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में आके 1034 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पॉइंट नंबर सी इज आर आंसर. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोलता है, अगेन वही पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20. सिर्फ टोटल इनकम निकालनी है, वो भी कौन सी, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि यहाँ पे कोई डिडक्शंस का रोल भी नहीं आने वाला. क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. मिस्टर हरी इज 65 ईयर्स ओल्ड रिसाइडिंग इन आगरा. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2013-14 ही परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन कमला नगर फॉर 25 लाख. दिस हाउस प्रॉपर्टी वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम टिल फाइनेंशियल ईयर 2015-16. In financial year 2016-17, he shifted to Delhi and the house property in Kamla Nagar was let out to Mr. Kishore. यानी कि इनकम आने लग गई होगी इस हाउस प्रॉपर्टी से. आगे बढ़ते. His income from house property was rupees 5 lakhs per annum. Computed. Computed का मतलब अगेन कोई भी डिडक्शन देने मत लग जाना इस अमाउंट से कि इसको आप रेंटल इनकम समझ के स्टैंडर्ड डिडक्शन देने लग जाओ. Computed मतलब उन्होंने कंप्यूट करके बता दी कि इस हेड के अंदर इतनी इनकम है आपको. आगे. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 Mr. Hari earned a long-term capital gain of 2.5 lakhs, casual income of 10 lakhs, agricultural income of 3 lakhs and profits from business of 4 lakhs. काफी सारी टाइप की इनकम बता दी मल्टीपल हेड्स के अंदर. ड्यूरिंग द सेम ईयर ही ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कमला नगर टू मिसेज नीलम हिज सन्स वाइफ विदाउट एनी कंसिडरेशन. यानी कि ये इंसान क्या करना चाह रहे हैं, टैक्स प्लानिंग की हरकत करना चाह रहे हैं जिसको हम नहीं करने देंगे. किस वजह से, क्लबिंग प्रोविजन की वजह से. आगे क्या लिखा है, सब्सिक्वेंटली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वॉज रिसीव्ड बाय मिसेज नीलम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19. ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है. बेसिकली ये आपसे दो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, पहले तो क्लबिंग प्रोविजंस लगवाएंगे, दूसरा ये टेस्ट करेंगे कि आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस जो हैं वो कितने अच्छे से आते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के बेसिक जो ये पैरामीटर्स है सारे कोलेट करना. देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या गिवन है, इनकम्स लिखनी शुरू करते हैं इस इंसान की ताकि GTI पे आ पाए. तो सबसे पहली इनकम मुझे क्या दिख रही है, मुझे इनकम दिख रही है 5 लाख रुपीस पर एनम. ये किससे है, हाउस प्रॉपर्टी से. अच्छा नीचे उन्होंने बता दिया हाउस प्रॉपर्टी उसने इसी साल के अंदर अपने बेटे की वाइफ को ट्रांसफर कर दी थी और अब बेटे की वाइफ के हाथ में दिखा रहे हैं इनकम हो रही है. तो क्या इस 5 लाख को बेटे की वाइफ की इनकम में डाल दूं, नहीं. क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे अंडर सेक्शन 64(1)(6). आपने ऐसे ट्रांसफर करी है सन्स वाइफ को और ये जो ट्रांसफर करा है आपने विदाउट कंसिडरेशन करा है, जिसकी वजह से इस एसेट से जितनी भी होने वाली इनकम होगी वो आप ही के हाथ में टैक्स होगी. किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में. तो ये ट्रांसफर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी आपकी इनकम में ही आएगी. तो टोटल इनकम कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज हम लिख लेते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी, 5 लाख. नेक्स्ट मुझे क्या इनकम दिख रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं इस इंसान को 2.5 लाख के. लिख लेते हैं LTCG 2.5 लाख. नेक्स्ट इनकम है कैजुअल इनकम ऑफ 10 लाख, ये अदर सोर्सेज में आ जाएगी. नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम, ये एग्रीकल्चरल इनकम यहां पे मैं लिख दूंगा 0. क्यों, सेक्शन 10(1) याद करिए. सेक्शन 10(1) क्या बोलता है, आपकी कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम हुई है कितना भी अमाउंट हो एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम इनकम टैक्स. तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया उस चीज़ के लिए. ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है प्रेजेंटेशन का, वो हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है. यहाँ पे हम शॉर्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव आंसर नहीं है, सिर्फ हमें आंसर निकालना है. एग्रीकल्चरल इनकम हमने डिस्कस कर ली. आगे और कोई इनकम भी है क्या, वो भी देख लेते हैं. हाँ, इस इंसान की बिजनेस से भी इनकम है कितनी, 4 लाख रुपीज की, वो भी लिख लेते हैं. बिजनेस इनकम 4 लाख. टोटल इनकम कितनी निकल के आई, 10 + 4 + 2.5 + 5 विच इज 21.5 लाख आंसर में है. पॉइंट नंबर बी होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. कंप्यूट GTI ऑफ मिस्टर कुमार फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20. यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, अगेन कोई भी डिडक्शंस नहीं लगनी, कोई टैक्स रेट्स नहीं लगने वाले. क्वेश्चन पढ़ते हैं. द डिटेल्स ऑफ इनकम और लॉस ऑफ मिस्टर कुमार फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 आर एज फॉलोज. सबसे पहले उन्होंने कुछ इनकम्स बता दी, फिर कुछ लॉसेस बता दी. हमें क्या करना है, बेसिकली अगेन वो हमारी सेट ऑफ की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं. पिछले क्वेश्चन में भी ये टेस्ट करी थी, इसमें भी ये टेस्ट कर रहे हैं.
तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको डीमार्केट कर लेते हैं, इनकम्स कौन सी है, लॉसेस कौन से हैं, फिर सेट ऑफ देखेंगे कहाँ पे क्या हो सकता है। ये एक इनकम है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है, ये अगेन इनकम है, ये अगेन इनकम है। अब इनकम्स में से लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, तो इनकम्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, लॉसेस को देखते हैं। लॉसेस में मेरे को देख के पता चल रहा है, अच्छा ये दो एक ही टाइप के लॉस हैं। क्यों एक ही टाइप के हैं? दोनों हाउस प्रॉपर्टी हेड को बिलोंग करते हैं, तो इनको ऐडअप कर लेते हैं, एक साथ एनालिसिस चलाएंगे। 225 + 95,000 कितना निकल के आता है? 3.2 लाख। बाकी यहाँ पे क्या है, अंडर सेक्शन 35 हेड का बेसिकली आपका ये लॉस है, ये काट देते हैं पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि 35AD वाले जो लॉसेस होते हैं वो 35AD की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, वो किसी और हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसको ऑल टुगेदर काट देते हैं, अगर कहीं और सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाकी सालों की GTI हिलाएगा, इस साल की GTI पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। लॉस फ्रॉम मेडिकल बिजनेस, यानी कि नॉन स्पेक्युलेटिव नॉन 35AD बिजनेस, PGBP इनकम है बेसिकली आपकी, इसका कुछ ना कुछ हो सकता है, आगे एनालिसिस चलाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम की ये जो लॉस था 3.2 लाख, इसको भी अभी एनालिसिस में देखते हैं। तो हमारे लॉसेस कितने बचे? दो ही बचे, इनकम लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी और लॉस अंडर दी हेड PGBP। सेट ऑफ करना शुरू करते हैं। 3.2 लाख का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी हेड में, कहाँ से सेट ऑफ करूँ? मैं सैलरी हेड से भी कर सकता हूँ, मैं कैपिटल गेन इनकम से भी कर सकता हूँ, मैं अदर सोर्सेज से भी कर सकता हूँ। नॉर्मली अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए बोला जाए तो फिर कहाँ से करना चाहिए? जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा पाएँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे GTI निकालनी है, टैक्स बचाने की बात नहीं हो रही, तो कहीं से भी सेट ऑफ कर लो। आपको बेसिकली GTI रिड्यूस करनी है, एक्चुअल GTI निकालनी है, तो कहीं से भी सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं सैलरी हेड से सेट ऑफ करने लग जाऊँगा। क्या पूरा अमाउंट हटा दूँ 3.2 लाख? नहीं, पूरा अमाउंट नहीं हटा सकते। आपका यहाँ पे स्पेशल रूल आ जाता है जो बोलता है 2 लाख से ज़्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि मैं 5.2 लाख से क्या माइनस करूँगा? 2 लाख। ये हमारा एनालिसिस हो गया इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी का, बेसिकली लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी का, वो हमने सेट ऑफ कर लिया जितना हो सकता था। बाकी जो 1.2 लाख बच गया है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और बाकी सालों में जो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर इनकम होगी उससे सेट ऑफ होगा। इस साल की GTI पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉसेस खत्म, बाकी लॉसेस की बात करते हैं जो बचे हैं। लॉस फ्रॉम मेडिकल बिजनेस यानी कि PGBP लॉस कितना है? 1,20,000। कहाँ से सेट ऑफ करो? सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर लें? नहीं, स्पेशल रूल है, PGBP आपका जो भी लॉस होता है, अगर आपकी सैलरी इनकम भी हो रही है तो आप सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, बाकी कहीं से भी करो। तो बाकी कहीं से भी करो, ये दो इनकम्स बची मेरे पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, इन दोनों में से कहीं से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं PGBP जो आपका लॉस है 1,20,000, लेट्स से मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लेता हूँ, तो 1.6 लाख माइनस 1.2 लाख। अब बचा कौन सा लॉस? ओके, सारे लॉसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब फाइनली एग्रीगेट करना शुरू करते हैं। 5.2 लाख माइनस 2 लाख, ये निकल के आई मेरी फिगर 3.2 लाख। और क्या क्या है मेरे इनकम्स थे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.6 लाख माइनस 1.2 लाख 40K, और इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज, इससे कुछ भी मैंने सेट ऑफ नहीं करा, तो पूरा का पूरा 80K प्लस 40K प्लस 3.2 लाख, आपकी फिगर निकल के आई 4.4 लाख। देखिए आंसर में कहीं मिल रहा है, पॉइंट नंबर ए, ये है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कंप्यूट फी पेबल फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर PQ एंड एसोसिएट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। फी पेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सीधा आपके माइंड में सेक्शन आ जाएगा 234F। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ कॉफी बीन्स। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 हिज टोटल इनकम इज 4.5 लाख। अगर सीधा ही टोटल इनकम आपने बता दी 4.5 लाख, तो ये बिजनेस बताने की कुछ खास सेंस बनती नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पवन फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 ऑन 3rd March 2020। यानी कि असेसमेंट ईयर आपका क्या है? 2019-20। आपने फाइल कब करी है? 3rd March 2020। अब जल्दी से आप बेसिकली पेनल्टी याद करिए, फी याद करिए जो 234F के अंदर लगती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, हल्का सा मैं आपको रिकलेक्ट करवाता हूँ। आपका जो भी असेसमेंट ईयर है जिसके रिस्पेक्ट में आपको टैक्स देना है, उस असेसमेंट ईयर के 31st December तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो फिर आपको कितना बेसिकली ये फी देनी पड़ती है अंडर सेक्शन 234F? आपको देनी पड़ती है 5K। लेकिन 31st December से भी ज़्यादा अगर आप लेट हो गए, तो फिर आपको कितनी फी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 234F? 10K। दोनों आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगी। क्यों? उन्होंने आपको यहाँ पे टोटल इनकम बता दी 4.5 लाख, और सेक्शन 234F ये भी बोलता है अगर आपकी टोटल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख, तो फिर आप पे कितनी फ़ी लगेगी? नॉट एक्सीडिंग 1,000।
अब ये जो बेसिक क्वेश्चन था ये सिर्फ सेक्शन 234 एफ को टेस्ट कर रहा है, कोई आगे पीछे की चीज़ नहीं, आपको सेक्शन याद है, मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राणा फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। मिस्टर राणा इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया रेजाइडिंग इन मेरठ। During the financial year 2010-11, he purchased an agricultural land situated in Bahadurpur for 10 lakhs. This land is situated in an area which has aerial distance of 3 kilometers from the local limits of municipality of Bahadurpur. Bahadurpur ni Bahadurpur. Total population of this area is 80,000 as per the last preceding census. During financial year 2018-19, Mr. Rana sold this land to Mr. Jeet for 25 lakhs on 29-1-2019. Mr. Rana invested 5 lakhs in the bonds of NHAI on 31-7-2019. Cost inflation index itna itna hai for the financial year 2010-11 and financial year 2018-19 respectively. Ab hume karna kya hai? Capital gain nikalna hai. शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे सेक्शन 214 में चेक करने की ज़रूरत है कि ये एसेट जो ट्रांसफ़र हुई है ये कैपिटल एसेट है भी या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं निकली तो आगे जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो सारी की सारी मेरे लिए बेकार हो जाएगी। तो चेक करते हैं उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन बताई। ये जो एग्रीकल्चरल लैंड बिका है ये बहादुरपुर में सिचुएटेड है, अभी कॉस्ट को छोड़ते हैं। दिस लैंड इज सिचुएटेड इन एन एरिया which has an aerial distance of 3 kilometers from the local limits of municipality of Bahadurpur. Aage unhone bola, total population of this area is 80,000 as per the last preceding census. Ab aap yaad kariye, section number 214, usme humne padha tha ki kisi bhi agricultural land ko rural agricultural land kab bolte hain. Agar koi bhi agricultural land aapka rural agricultural land ban jata hai to fir hota kya hai, us agricultural land pe capital gains nahi lagte kyunki wo land capital asset hi nahi mana jata. अब देखिए किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड को अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए यानी कि कैपिटल एसेट मानने के लिए इनमें से कोई कंडीशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी तभी कैपिटल गेन्स लगा सकते हैं। पहली कंडीशन, ये जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड जिसको आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड दिखाना चाह रहे हैं वो जिस एरिया में सिचुएटेड है उस एरिया की खुद की पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000 और मोर, या फिर खुद की पॉपुलेशन आपकी 10,000 से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप हो सिचुएटेड एटलीस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम अ म्यूनिसिपैलिटी जिस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी हो 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम या फिर इक्वल। इन दोनों में से किसी भी सिनारियोज में अगर आप फॉल कर गए आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड होगा वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगा यानी कि कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। देखते हैं इस केस में क्या है। 10,000 वाली बात तो यहाँ पर नहीं हो रही, इन्होंने बोला 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में हो आप किसी ऐसे एरिया से जो 80,000 जिसकी पॉपुलेशन है, 80,000 नहीं यानी कि इस केस में आप फॉल कर गए वो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर वाली डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आप 3 किलोमीटर्स दूर हैं उस एरिया से यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर्स तक भी होते तो भी आपको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मान लिया जाता क्योंकि आप 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं यानी कि 3 किलोमीटर्स आपका लैंड क्या बन गया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जिसकी वजह से कोई कैपिटल गेंस टैक्स आने ही नहीं वाला। ये जो तीनों आपकी लिमिट्स उन्होंने यहाँ पे दे रखी है पॉइंट नंबर ए बी सी के अंदर, ये तीनों आपको कन्फ्यूज करने के लिए। आपका आंसर क्या है पॉइंट नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपका कैपिटल गेंस टैक्स कितना निकल के आएगा, निल। फाइनली सारे के सारे जो आरटीपी में एमसीक्यूज थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब पेपर में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपको सिर्फ सही आंसर नहीं देना है, सही आंसर तो देना ही है, उसके साथ साथ कम से कम टाइम के अंदर उस सही आंसर को देना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।